दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप आचार्य चाणक्य के अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, किंतु 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सत मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। हालांकि नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा करना है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर भरोसा नहीं करना है वो मानेगा ही नहीं। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। एक कामगार को छुट्टी के वक्त परीक्षण करना चाहिए। दोस्तों, रिश्तेदारों को संकट आने पर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन पत्नी को घर में गरीबी आने पर परीक्षण करना चाहिए। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे समय के साथ रहने से अकेले रहना अच्छा है। बुरे सदस्य के साथ रहने से अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते हैं। आप लालची इंसान को धन देकर अपने वश में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक अच्छे इंसान को वश में करना हो तो सत्य बोलना होगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा रखता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा रखता है, और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्ती, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन यह शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी सत्य पे टिकी है। यह सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर ही टिकी हुई है। फूल की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं वे अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। जीवन का एक सत्य मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती।
यह एक कड़वा सच है। आजकल के लोग कड़वे सच की बजाय मीठे झूठ चुनते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इस दुनिया में केवल दो ही लोग आपके बारे में सच बताएंगे, पहला आपका दुश्मन या फिर एक दोस्त जो आपको बहुत प्यार करता है। व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे पीर लोग पहले काटते हैं और ईमानदार लोग पहले बेवकूफ बनते हैं। आज के जमाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत करो, यह आपको नष्ट कर सकता है। हम उम्र से नहीं बल्कि ठोकर से और नुकसान से परिपक्व होते हैं। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। भले ही सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे विषैला होने का नाटक करना चाहिए। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जो इंसान सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसी के बारे में कोई नहीं सोचता। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। सत्य को हम जानना तो जानते हैं पर जीना नहीं, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहे। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारी शिक्षा है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह पर सम्मान होता है। इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है, कहीं उनका भ्रम ना टूट जाए, इसलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की हुई कमाई सुख देती है और छल कपट से की हुई कमाई केवल दुखी कर सकती है। अगर हाथ मिले और दिल ना मिले तो हमेशा नुकसान ही होगा। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में लोग नफरत खुलकर करते हैं और प्यार छुप के करते हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या फिर रुतबे का। तारीफों के पुल के नीचे अब मतलब की नदी बहती है। अब अपनी फिक्र करना अच्छा सा लगता है। जिंदगी में एक बात तय है कि तय कुछ भी नहीं। पुरुषों की बात छोड़ो, यदि औरत औरत को समझाने लग जाए तो दुनिया के आधे झगड़े खत्म हो जाए। मदद करनी हो तो गैरों की करो। अपने तो कई बार इस फर्ज को समझ लेते हैं। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। बिना रूह के तो घरवाले भी जिस्म नहीं रखते। काटे तो नाम से ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें और काटती तो जुबान भी है। जेब में छोटा सा छेद क्या हो गया, सिक्कों से ज्यादा रिश्तेदार गिर जाते हैं। झूठ भी बड़ी अजीब चीज है। बोलना अच्छा लगता है और सुनना बुरा। कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे। आधे लोग तो रिश्ता इसलिए निभा रहे हैं कि कहीं आपसे काम ना पड़ जाए। आज के टाइम में लोग रिश्ते छोड़ देते हैं पर जीत नहीं। जिंदगी की रेस में लोग आपको दौड़ाकर नहीं तोड़कर हराना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते तो उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वह रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में तूफान आने के बाद पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़ सकता है और कौन आपका हाथ छोड़ता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि लोग अच्छा करें। परेशानियों के बारे में दूसरों को बताने का कोई फायदा नहीं। 20% के पास टाइम नहीं है और बाकी इस बात से खुश होंगे। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अपने आप को बचाना सीखना होगा। कई बार
मौत इंतजार नहीं करती, बस आ ही जाती है। आपको ना बोलना सीखना होगा। हमेशा हाँ कहना आपको बेवकूफ बना देगा। असफल होने पर लोग आपको ज्यादा नोटिस करते हैं। एक ना एक दिन कोई ना कोई आपका आखिरी बार नाम लेगा। कभी कभी जो व्यक्ति आपके लिए बहुत मायने रखता है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं होते। फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं। कुछ लोग बिना मतलब के भी आपसे नफरत करेंगे। यदि आपको कोई कुत्ता कहता है तो आप उस पर भौंके नहीं बल्कि मुस्कुराए। गालियां देने वाला स्वयं ही शर्मिंदा हो जाएगा, अन्यथा आप सचमुच कुत्ते बन जाओगे। यदि कोई आपको गालियां देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह गालियां उसी के पास रह जाती है। गुलाब कांटों के बीच मुस्कुराता है, तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग में ही है, इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना ही मूर्खता कहलाता है। जिंदगी में उस चीज की अहमियत किसी को समझ में नहीं आती जो उसके पास पहले से ही हो। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की। अच्छी बात जहां आपकी कीमत नहीं वहां पे रुकना मतलब नहीं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। आपको किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक वह चीज़ आपके पास है। कीमत करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता भी दूर है। हीरो को परखना हो तो अंधेरों का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। बस इतना चाहिए तुझसे, जिंदगी की जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बरप्पन कहे, औकात नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद में। इस काबिल तो नहीं कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा। खो देने के बाद समय की कीमत रखना सीखो, यही समय आपके आगे कीमत करेगा। इंसान को हर चीज की कीमत पता है लेकिन उस चीज की अहमियत नहीं। नए लोगों के आने से पुराने की वैल्यू कम ना करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो चमक नहीं छोड़ता। हर वक्त पैसे की अहमियत को समझना चाहिए, वरना बुरे वक्त में पैसा अपनी अहमियत समझा देता है। किसी की इतनी भी केयर और वैल्यू मत करो कि उसे तुम्हारी कीमत वक्त की कदर ही ना रहे। जब हम किसी की ज्यादा केयर कर लेते हैं तब उनके सामने हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं रहती। जैसे आप किसी के लिए और अधिक सुलभ होते चले जाते हैं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।